दोस्तों अगर आप न्यू लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट 20,000 के आसपास का है तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्च मंथ में 20,000 रेंज के बेस्ट लैपटॉप्स के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर टेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम जानेंगे इन लैपटॉप्स के बारे में। तो इस लिस्ट में जो फिफ्थ नंबर का लैपटॉप है वो है Asus का E402YA मॉडल। अब दोस्तों अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको AMD E27015 प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड रहेगी 1.5 गीगाहर्ट्ज़ की, एंड इसमें 2 कोर्स रहेंगे एंड 1 MB का कैश मेमोरी भी रहेगा। अब दोस्तों अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको प्रीलोडेड विंडोज 10 होम बेसिक विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसका रेजोल्यूशन रहेगा 1366x768, जो कि एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा। अब दोस्तों अगर इसके मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 4GB रैम एंड 1TB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर इसके डिजाइन एंड बैटरी की बात करें तो यह लैपटॉप थिन एंड लाइट रहेगा और इसका वेट होगा मात्र 1.65 kg का। अब अगर इसके बैटरी की बात करें तो इसका बैटरी बैकअप रहेगा 6 आवर्स का। अब दोस्तों अगर इसके वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर ग्लोबल वारंटी, ऑन साइट डोमेस्टिक वारंटी मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर इसके एसेसरीज एंड प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको विंडोज 10 होम, Asus वेब स्टोरेज, सिंक एजेंट एंड आइस साउंड मिल जाएगा, और इस लैपटॉप के साथ आपको पावर एडाप्टर एंड यूजर मैनुअल मिलेगा। अब दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 16,990 रुपए। तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो फोर्थ नंबर का लैपटॉप है वो है लेनोवो का आइडियापैड 330 मॉडल। अब दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको इंटेल सेलरॉन 3867U प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड रहेगी 1.8 GHz की, एंड इसमें 2 कोर्स मिलेंगे एंड 2 MB का स्मार्ट कैश मेमोरी मिल जाएगा। अब अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको प्रीलोडेड विंडोज 10 होम बेसिक विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। अब अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच का HD डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा, और इसका रेजोल्यूशन रहेगा 1366x768 का। अब अगर इसके मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 4GB रैम एंड 1TB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर इसके डिजाइन एंड बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप का वेट मात्र 2.2 kg का रहेगा और बैटरी लाइफ रहेगी 5 आवर्स की। अब अगर इसके वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर ऑन साइट डोमेस्टिक वारंटी मिल जाएगी। अब अगर इसके एसेसरीज की बात करें तो इस लैपटॉप के साथ आपको पावर एडाप्टर एंड यूजर मैनुअल मिल जाएगा। अब अगर इसके पोर्ट्स एंड CD ड्राइव की बात करें तो इसमें आपको 2 USB 3.0, 1 Type-C 3.0, 1 HDMI पोर्ट 2.0, 4-in-1 कार्ड रीडर, कॉम्बो ऑडियो एंड माइक्रोफोन जैक मिल जाएगा, बट इसमें CD ड्राइव नहीं मिलेगा, और इसके साथ लैन पोर्ट भी मिलेगा। अब दोस्तों अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 18,490 रुपए। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर का लैपटॉप है वो है लेनोवो का आइडियापैड S145 मॉडल। अब दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको AMD A6 9225 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि 2.6 GHz बेस्ड प्रोसेसर रहेगा, एंड इसमें 2 कोर्स एंड 1 MB का स्मार्ट कैश भी रहेगा। अब अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको प्रीलोडेड विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा, और इसका रेजोल्यूशन रहेगा 1366x768। अब अगर इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको 802.11ac 1x1 Wi-Fi एंड ब्लूटूथ 4.0 मिल जाएगा। अब अगर इसके मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 4GB रैम एंड 1TB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी। अब अगर इसके डिजाइन एंड बैटरी की बात करें तो यह लैपटॉप थिन एंड लाइट लैपटॉप रहेगा और यह 180 डिग्री हिंग बेस्ड रहेगा। अब अगर इस लैपटॉप की वेट की बात करें तो इसका वेट मात्र 1.85 kg का है और इसका बैटरी बैकअप है 5.5 आवर्स का। अब अगर इसके वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर ऑन साइट डोमेस्टिक वारंटी मिल जाएगी। अब अगर इसके एसेसरीज की बात करें तो इस लैपटॉप के साथ आपको पावर एडाप्टर एंड यूजर मैनुअल मिल जाएगा। अब अगर इसके पोर्ट्स एंड ऑप्टिकल ड्राइव की बात करें तो इसमें आपको 1 HDMI, 2 USB 3.0, USB 2.0, 4-in-1 कार्ड रीडर, कॉम्बो ऑडियो एंड माइक्रोफोन जैक मिल जाएगा, बट इसमें कोई भी ऑप्टिकल ड्राइव डिस्क नहीं मिलेगी।
और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि लैपटॉप काफी शानदार है लुक वाइज। अब दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 19,480 रुपये। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर का लैपटॉप है वो है एचपी का 15 मॉडल। अब दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको इंटेल सेलरॉन N4000 प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 1.1 गीगाहर्ट्ज बेस्ड प्रोसेसर रहेगा और इस प्रोसेसर में आपको 2 कोर्स N4MB का कैश मेमोरी भी मिल जाएगा। अब अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको प्रीलोडेड विंडोज 10 होम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच का HD डिस्प्ले मिल जाएगा जिसका रेजोल्यूशन रहेगा 1366x768 का। अब अगर इसके मेमोरी स्टोरेज एंड ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको 4GB DDR4 RAM Intel USD ग्राफिक्स 600 एंड 1TB की हार्ड डिस्क मिल जाएगी जो कि 5400 RPM बेस्ड रहेगी। अब अगर इसके डिजाइन एंड बैटरी की बात करें तो यह लैपटॉप थिन एंड लाइट डिजाइन बेस्ड रहेगा एंड इसका वेट मात्र 2.04 kg का रहेगा और इस लैपटॉप का एवरेज बैटरी लाइफ है 7 आवर्स का। अब इसके प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 मिल जाएगा और इस लैपटॉप के साथ आपको बैटरी एंड पावर अडाप्टर मिलेगा। अब अगर इसके वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर डोमेस्टिक वारंटी मिल जाएगी। अब इसके पोर्ट्स एंड सी ड्राइव की बात करें तो इसमें आपको 1 HDMI 2 USB 3.0 1 USB 2.0 1 ऑडियो आउटपुट मिल जाएगा बट इसमें सीडी ड्राइव नहीं मिलेगी। अब दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 20,888 रुपए। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर का लैपटॉप है वो है एचपी का 14 मॉडल। अब अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको इंटेल पेंटियम 4417U बेस्ड प्रोसेसर मिल जाएगा जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड रहेगी 2.3 GHz की और इसमें 2 कोर्स एंड 2MB का कैश मेमोरी भी मिल जाएगा। अब अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको प्रीलोडेड विंडोज 10 होम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा विद लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच का HD WLED डिस्प्ले मिल जाएगा। अब अगर इसके मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 4GB DDR4 RAM विद 256GB SSD एंड Intel HD ग्राफिक्स 620 मिल जाएगा। दोस्तों यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने 256GB का जो बताया है वो HDD ना होके SSD है और जैसा कि आप सबको पता है कि जो SSD होती है वो HDD के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अब दोस्तों अगर इसके डिजाइन एंड बैटरी की बात करें तो यह लैपटॉप थिन एंड लाइट डिजाइन बेस्ड लैपटॉप है और इसका वेट मात्र 1.47 kg का है और इसकी बैटरी लाइफ है मैक्सिमम 7 आवर्स की और इसके साथ आपको फास्ट चार्जर 41 वॉट का AC अडाप्टर मिल जाएगा और इसकी बैटरी 3 सेल बेस्ड लियोन बैटरी रहेगी। अब अगर इसके वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर डोमेस्टिक वारंटी मिल जाएगी। अब अगर इसके प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको विंडोज 10 होम मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर इसके पोर्ट्स एंड एसेसरीज की बात करें तो इस लैपटॉप के साथ आपको पावर अडाप्टर मिल जाएगा और साथ ही इसमें आपको 1 HDMI पोर्ट 2 USB 3.0 1 USB 2.0 1 ऑडियो आउटपुट पोर्ट मिल जाएगा बट इसके साथ DVD राइटर नहीं मिलेगा। अब दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है मात्र 22,900 रुपए। तो दोस्तों इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स आई थिंक आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें। एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।